एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जो हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊंची चोटियों में से एक पर है और कहा जाता है यहां स्वयं भगवान शिव ने बचाई थी अपने भक्त की जान। नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रकृति की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश में तमाम तीर्थ स्थल हैं जिनके दर्शनों के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इन्हीं में से एक बेहद ही खास तीर्थ स्थान है सिरमौर जिले में। जी हाँ, यहाँ दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। इस स्थान की अपनी अलग ही महत्ता है। आइए जानते हैं इस खास मंदिर के बारे में। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सबसे ऊंची चोटी चूड़धार को ही सिरगुल महाराज के नाम से जाना जाता है। चोटी पर सिरगुल महाराज मंदिर की स्थापना की हुई है। इन्हें सिरमौर और चौपाल का देवता माना जाता है। यह मंदिर प्राचीन शैली में बना है जिससे इसके स्थापना काल का भी पता चलता है। यहाँ वर्ष भर सैलानियों का तांता लगा रहता है। इस देव स्थान को ट्रैकिंग के लिए भी जाना जाता है, इसीलिए लोग एडवेंचर के साथ साथ भक्ति भाव से इस खास मंदिर में आते हैं। सिरगुल महाराज मंदिर को लेकर पौराणिक कथाओं में शिव भक्त चूरू और उनके बेटे का जिक्र मिलता है। कथा के अनुसार चूरू अपने पुत्र के साथ इस मंदिर में दर्शन के लिए आया था। उसी समय अचानक एक बहुत बड़ा सांप उनके रास्ते में आ जाता है और उन्हें काटने की कोशिश करता है। देखते ही देखते वह सांप चूरू और उसके बेटे को काटने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी दोनों भगवान शिव से अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना करते हैं और कुछ ही क्षणों में एक विशाल काय पत्थर उस सांप के ऊपर आकर गिर जाता है। कहा जाता है वह विशाल काय पत्थर आज भी यहाँ देखा जा सकता है। कहते हैं कि चूरू और उसके बेटे की जान बचने के बाद दोनों ही भगवान शिव के अनन्य भक्त हुए। इस घटना के बाद से मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा और बढ़ गई, साथ ही उस जगह का नाम भी चूड़धार के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके अलावा चट्टान का नाम चूरू रख दिया गया। कहा जाता है हिमाचल प्रवास के दौरान आदि शंकराचार्य इस स्थान पर उन्होंने आकर शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी स्थान पर एक चट्टान भी मिलती है जिसे लेकर मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते थे। मंदिर के पास ही दो बावड़ियां हैं। मंदिर जाने वाले सभी श्रद्धालु पहले बावड़ी में स्नान करते हैं और उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि यहाँ की जो बावड़ी है वह बेहद ही खास है। मान्यता है कि मंदिर के बाहर बनी दोनों बावड़ियों का जल अत्यंत पवित्र है। कहा जाता है इनमें से किसी भी बावड़ी से दो लोटा जल लेकर सर पर डालने से सभी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ का पानी गर्म होता है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा कैसे संभव है कि एक ठंड के इलाके में एक गर्म स्रोत चूड़धार के इस बावड़ी में भक्ति नहीं बल्कि देवी देवता भी आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस क्षेत्र में जब भी किसी नए मंदिर की स्थापना होती है तब देवी देवताओं की प्रतिमा को इस बावड़ी में स्नान कराया जाता है, इसके बाद ही उनकी स्थापना की जाती है। चूड़धार की बावड़ी में किए गए स्नान को गंगा जल की ही तरह पवित्र माना जाता है। सिरगुल महाराज मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। साथ ही अगर वह किसी उलझन या परेशानी में होते हैं तो उन्हें उनका भी समाधान आसानी से मिल जाता है। बता दें कि यह समाधान उन्हें मंदिर के पुजारी देते हैं। कहा जाता है कि वह सभी की बातें सुनने के बाद सिरगुल महाराज को साक्षी मानकर समाधान बताते हैं। आप जानते हैं कि आखिर आप इस मंदिर में कैसे जा सकते हैं? अगर आपको कभी इस मंदिर में जाने का अवसर मिले तो आपको कहां से जाना चाहिए? दोस्तों, सबसे रहस्य की बात तो ये है कि चूड़ाधार पर्वत के पास के पर्वत में ही हनुमान जी को संजीवनी बूटी मिली थी। सर्दियों और बरसात के मौसम में यहां भारी बर्फ रहती है। वैसे तो यहां 12 महीने बर्फ पड़ती है, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं मई जून का महीना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। चूड़धार जाने के लिए गर्मियों का मौसम सबसे मुफीद माना गया है।
इस पर्वत पर पहुंचने के लिए मुख्य रास्ता नौराधार से होकर गुजरता है। अब आपको कैसे जाना है चलिए ये बताते हैं। यहाँ से चूड़ाधार की दूरी तकरीबन 14 किलोमीटर है, इसलिए सबसे पहले आपको नौराधार से होकर गुजरना पड़ेगा। दूसरा रास्ता सराहन चौपाल का है, यहाँ से चूड़ाधार महज 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भविष्य में इस मंदिर में जाने का अवसर मिले तो इस अवसर को चूकेगा मत। और अगर आपको हमारी ये खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मंदिर दर्शन को अवश्य सब्सक्राइब करें और मंदिर दर्शन की घंटी यानी कि बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।